मालवीय नगर जो विधानसभा सीट है, बीजेपी लगातार यहाँ पर अजय रही है। कालीचरण सराफ पर एक बार फिर से भरोसा पार्टी ने जताया है। कालीचरण जी हमारे साथ हैं, देख सकते हैं किस तरह कार्यकर्ता है, लगातार हुजूम बढ़ रहा है। सर एक बार फिर देखिए, मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मेरे में विश्वास व्यक्त किया है, भरोसा बनाया है। तो मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उनका जो भरोसा है मेरे में, उसको मैं खरा उतरूंगा। सरकार नहीं थी आपकी पिछली बार, फिर भी आप लगातार डटे रहे, तो अगर इस बार सरकार बनती है तो किस तरह मालवीय नगर क्षेत्र को देखें? देखिए, मालवीय नगर विकास की जो अभी भी विकास में नंबर एक है, और सरकार बनने के बाद मेरी प्राथमिकता रहेगी एक तो करतारपुरा नाला जो कच्चा है उसको पक्का करवाने का काम करूंगा, दूसरा मालवीय नगर में जो सीवरेज लाइन जीर्ण शीर्ण हो गई उसको दुरुस्त करवाने का काम करेंगे, और तीसरा जो लाइनें हैं ये रोड लाइटें उनके तारों को हम अंडरग्राउंड कराने का काम करेंगे। आपके सामने एक बार फिर अर्चना शर्मा है। हाँ, वो तो नेचुरली वो हारने के लिए आती है और हम जीतने के लिए जाते हैं। वो तो कहती है कि हमारा वोट परसेंट बढ़ रहा है लगातार यहाँ पर। वो ये नहीं कहेगी तो चुनाव कैसे लड़ेगी? मुंगेरी लाल के हसीन सपने। बिल्कुल, प्रियंका गांधी आती है, राहुल गांधी लगातार राजस्थान के दौरे पे, सरकार रिपीट का दावा ये लोग कर रहे हैं। ये करना ही चाहिए उनको, नहीं चुनाव कैसे लड़ेंगे? वो ये कहेंगे कि हम हार रहे हैं तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? भाई उनको ये कहना ही पड़ेगा कि हम जीत रहे हैं। पर जनता इस बात का मानस बना चुकी है कि इस बार कांग्रेस का सूपड़ा साफ होगा। फॉर्च्यूनर गाड़ी में जितनी सीटें आती हैं उतनी सीटें यदि कांग्रेस की आ जाएगी तो बहुत है। प्रधानमंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री पे निशाना साधते हैं कि क्या कमल का फूल या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होगा, कौन यहाँ चुनाव लड़ेगा? लगातार मुख्यमंत्री उन्होंने क्या मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिया क्या? उन्होंने किसको बनाया मुख्यमंत्री? क्या अशोक गहलोत को बनाएंगे तो सचिन पायलट एचएसजी कर देंगे, सचिन पायलट को कहेंगे तो अशोक गहलोत उनकी एचएसजी कर देंगे? यानी ये कोई बात है? यानी उन्होंने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तय किया है क्या? मैं प्रियंका गांधी को पूछना चाहता हूँ, और है हिम्मत तो डिक्लेयर करे कि हमारा चुनाव जीतने के बाद ये मुख्यमंत्री होगा। मोहब्बत की दुकान की बात भी वो यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। हाँ, मोहब्बत की दुकान ही तो है, तभी तो एक मुस्लिम युवक मरता है तो उसको 50 लाख और एक हिंदू युवक मरता है तो उसको 5 लाख, ये मोहब्बत की दुकान का ही कर्तव्य है। इस तरह देखते हैं, बहुत लंबा आपको अनुभव राजनीति का है, अगर आप यहाँ जीतते हैं, आपकी सरकार यहाँ बनती है, तो फिर किस तरह आप पार्टी में खुद को देखते हैं? देखिए, मैंने कहा कि राजस्थान जिस प्रकार से 5 साल से कांग्रेस के कुशासन से त्रस्त है, यहाँ की जनता त्रस्त है, जिस प्रकार से उन्होंने वादा खिलाफी की है, चाहे वो बेरोजगार नौजवानों के साथ हो, चाहे किसानों के कर्जा माफ किए जाने का सवाल हो, चाहे प्रदेश की कानून व्यवस्था का मामला हो, हर मोर्चे पर कांग्रेस की सरकार विफल रही है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राजस्थान में सुशासन स्थापित होगा, एक कानून व्यवस्था में सुधार होगा, भ्रष्टाचार पर हम अंकुश लगाएंगे, और महिलाओं पर अत्याचार जिस प्रकार से हो रहे हैं उस पर रोक लगेगी। बिल्कुल, ये थे कालीचरण सराफ जिन्होंने अपनी बात कही यहाँ पर, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ यहाँ पर रहने वाला है, ये सब उन्होंने यहाँ पर बात कही है। कैमरामैन संजय शर्मा के साथ आदित्य आत्रे, द नगरी न्यूज़।